हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सुबह आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 10 अडल्ट मूवीज़ के बारे में। गाइस, ये सभी फिल्में आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर मिल जाएंगी। तो अगर आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो यूज़र हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो अगर आपको फिल्मों में न्यूड सीन वाली मूवी देखनी है तो ये फिल्में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, तो इसलिए वीडियो पर आगे तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है ए परफेक्ट एंडिंग। दोस्तों, मूवी 2012 में आई थी, एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 54 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.7 की रैंक मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको रेबेका की स्टोरी देखने को मिलेगी जो अपने अनयूजुअल सीक्रेट एक एस्कॉर्ट को बताती है। सो अगर आपको एक लेस्बियन वाली मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और इस फिल्म में आपको वो सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है वाइल्ड थिंग्स। दोस्तों, मूवी 1998 में आई थी, थ्रिलर क्राइम मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 48 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको डिटेक्टिव रे की स्टोरी देखने को मिलेगी जो एक केस पर इन्वेस्टिगेशन करता है, उस केस पर जिसमें दो लड़कियाँ एक लड़के का रेप कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस फिल्म में आपको फीमेल रेपिस्ट की स्टोरी देखने को मिलेंगी, तो इस फिल्म में भी आपको वो सीन्स देखने को मिल जाएंगे। फिल्म पुरानी है बट अगर आपको अडल्ट मूवी देखनी है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है दी आर्ट ऑफ लविंग स्टोरी ऑफ मिस एलिना विसाको। दोस्तों, ये मूवी 2017 में आई थी, एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको एक सेक्सोलॉजिस्ट की स्टोरी देखने को मिलेगी जो लव और सेक्स के ऊपर एक बुक लिखती है और वो उसे पब्लिश करने के ऊपर स्ट्रगल करती है। तो अब उसे कौन कौन से स्ट्रगल देखने हैं, और अगर आपको एक अडल्ट मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। इस फिल्म में आपको वो सीन्स देखने को मिल जाएंगे। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी। लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है क्लॉय। दोस्तों, मूवी 2009 में आई थी, थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 36 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में कैथरीन की स्टोरी देखने को मिलेगी जो क्लोए को हायर करती है ताकि वो अपने हस्बैंड को टेस्ट कर सके कि वो उसके लिए फादर है या नहीं। तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो देख सके कि उसका हस्बैंड उसे धोखा देता है या नहीं। तो अब उसका हस्बैंड क्लोए के साथ रिलेशनशिप बनाता है नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो अगर आपको अफेयर वाली मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है क्लोजर। दोस्तों, मूवी 2005 में आई थी, रोमांस ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 44 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको एक कपल की स्टोरी देखने को मिलेगी लेकिन उसमें से जो आदमी रहता है वो दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाने लगता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या करती है वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको अफेयर वाली मूवी देखनी है तो ये भी अफेयर पर रिलेटेड है, तो आप इस फिल्म को भी देख सकते हो। लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है डॉन जॉन। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी, ये भी एक रोमांस मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 30 मिनट। गाइस, इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म में आपको न्यू जर्सी के एक बारटेंडर जॉन की स्टोरी देखने को मिलेगी। वो अपने हर काम में अच्छा रहता है लेकिन वो रिलेशनशिप में अच्छा नहीं रहता है। तभी वो बारबरा से मिलता है जो एक लड़की रहती है, और उसके बाद जॉन की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगता है। अब उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन बारबरा की भूमिका में है, जिनको हम ब्लैक विडो के नाम से जानते हैं। तो अगर आप उनके फ़ैन हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। इस फिल्म को रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली हुई है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि प्राइम वीडियो पर मिलेगी। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है यस गॉड यस। दोस्तों, ये मूवी 2019 में आई थी, कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 18 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको एलिस की स्टोरी देखने को मिलेगी जो एक कैथलिक लड़की रहती है। तो वो AOL पर चैट करती है और उन चैट से वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इसी वजह से वो मास्टरबेट भी करती है। तो अगर आपको जानना है कि लड़कियाँ भी इन बातों को सोचती हैं तो ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि प्राइम वीडियो पर मिलेगी। लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है बोगी नाइट्स। दोस्तों, मूवी 1997 में आई थी, एक ड्रामा इंडी फिल्म है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 2 आवर 35 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.9 की रेटिंग मिली हुई है। गाइस, इस फिल्म में आपको एडी की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो उसे एक पॉर्न डायरेक्टर जैक ढूंढ लेता है
और तब से एडी इंडी फिल्म बनाने लगता है। अब फिल्म में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आपको मार्क वेलबर्ग एडी की भूमिका में देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है एलिसा एंड मार्सेला। दोस्तों ये मूवी 2019 में आई थी। ये भी एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 58 मिनट। इस फिल्म को हाई एमडीबी की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। गाइज इस फिल्म में आपको 1885 के समय की स्टोरी देखने को मिलेगी, जब मार्सेला एलिसा से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उनके बीच काफ़ी गहरा रिलेशनशिप भी बन जाता है। सो अगर आपको लेस्बियन वाली मूवी देखनी है तो आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखना। और इस फिल्म में भी आपको वो सब सीन देखने को मिल जाएंगे और मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। लिस्ट में पहले नंबर पर आती है टाइगर ब्लड इन दी माउथ। दोस्तों ये मूवी 2016 में आई थी। एक ड्रामा स्पोर्ट मूवी है। गाइस नाम की स्पोर्ट मूवी है, तो अगर आपको अडल्ट मूवी देखनी है तो ये फिल्म आप ही के लिए है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 37 मिनट। इस फिल्म को हाई एमडीबी की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म में एक बॉक्सर रोमैन एक फीमेल यंग बॉक्सर से मिलता है और वह तभी से वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप में रहकर वो क्या क्या करते हैं बिल्कुल वही करेंगे जो आप फिल्म में देखना चाहते हो। तो मैं इसलिए कहूँगा आप एक बार इस फिल्म को भी ज़रूर देखना। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी मूवी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।